नमक स्वाद अनुसार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं भी बस एंजॉय कर रही हूँ हॉलीडेज को। तो आज मृदुल अपने बैकग्राउंड से लग ही रहा है किचन रूम में है, तो जाहिर से बात है किचन रूम में कोई क्यों आएगा, यहाँ तो कोई कुकिंग करने ही आते हैं। सो आज मृदुल आप सभी को कुकिंग करके दिखलाएगी और कुछ स्पेशल न्यू डिश बनेगा। तो चलिए आप सभी के लिए मैं कुछ खाना बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी टेस्टी। अब पता नहीं टेस्टी बनेगा कि नहीं, वो तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। मैं भी आज ही बना रही हूँ तो ट्राई कर रही हूँ, तो चलिए आज बनाते हैं। मैंने सोचा कि कुछ ट्राई किया जाए और आप सभी के सामने शेयर किया जाए, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देर किस बात की। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हो आप, तो यहाँ पे है हमारा सोयाबीन न्यूट्रिला और इसका छोटा चंक्स भी आता है, लेकिन हमने बड़ी वाली ही ली है तो ये बहुत ही अच्छी है। और यहाँ हमने ली है सोयाबीन के साथ साथ इंग्रेडिएंट्स है जो कि इसमें हमें शामिल करनी है, गाजर बारीक कटी हुई, लहसुन, मिर्च, प्याज, टमाटर, ये सभी आप सभी काट लीजिएगा। तो ये सभी पहले से ही काट लिया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। ये देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, इसे पहले पानी में उबाल के फिर अच्छे से उसे धो के फिर ऐसे अच्छे से आप रख सकते हैं। अगेन आपको मैं बतलाना चाहती हूँ, अनियन, टोमेटो एंड यहाँ आप देख सकते हो गार्लिक है, कैरोट है एंड चिली है, तो ये सभी आप सभी को रखना होगा। पहले ही चॉपिंग करके रख लेंगे तो शायद आसानी हो जाएगी। ये कैरेट आप देख सकते हो, टमाटर आप काट लेना क्योंकि बाद में दिक्कत होती है ना इसी वजह से। और हमारा बेस्ट थिंग ये देखिए, तो अभी इसे मैं चॉपिंग करूंगी, इसे काटना बाकी रह गया था। ये एक्चुअली मेरे सिस्टर निकी को पसंद नहीं है उतना, तो इसलिए मैं बहुत कम मिलाऊंगी। वैसे तो मुझे भी उतनी ज़्यादा नहीं है चिलते, लेकिन चिली आप बनाओगे तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ की चिली बनाना है, लाइक ए चिकन चिली, मंचूरियन, मतलब हर चीज़ में तो शिमला मिर्च, कैप्सिकम ये ज़रूरी होता है। तो आज मैं ये सोयाबीन चिली न्यूट्रेला आप सभी के सामने में बनाने वाली हूँ, तो चलिए मज़ा ही आने वाला है। चलिए गाइस, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ वीडियो भी बन गया और आप लोगों को भी मज़ा आएगा, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप एक पैन ले सकते हैं, मैंने कढ़ाई लिया है तो इस पे ऑयल पुट करेंगे, उसके बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से बस इसे फ्राई कर लेना, तो चलिए मैं भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ऐसे आप भून लीजिएगा, मैं तो ऐसे चला ही रही। अब हमने इसे फ्राई कर लिया है, इस तरह से कलर आ जाएगा। आप अच्छे से कलरिंग इसे देना फ्राई करके, ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया है, ठीक है। ऑयल के बाद उसे गर्म होने देते हैं, फ्लेम सही फ्लेम रखना है, मीडियम में, ज़्यादा ना हाई ज़्यादा ना लो, मीडियम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे हम डालेंगे अनियन, हाथ से भी डाल सकते हैं। तो तेल गर्म हो चुकी है, दो बजे मेरा मोबाइल लाइसेंस चला दो। चिली डाल चुके हैं, अब हमारा ये है क्या तो था, गार्लिक डालने के बाद इसे थोड़ा सा अच्छे से चलाते हैं, इसे भून लेना है, ये होते रहेगा। और साथ ही साथ इसमें उसके बाद हम यहाँ पे जो कैरेट लिए थे हमने, गाजर लिया था, उसे गाजर को भी डालेंगे। तो
के बाद जितनी पुरानी कढ़ाई उसमें बनाने का मजा ही कुछ और है, तो इसके लिए रख देती हूँ और कंसंट्रेट करती हूँ। आप तो वीडियो में बने रहिए। आप इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम कैप्सिकम, शिमला मिर्च भी डाल दिए हैं हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाला है अनियन, कैरेट, गार्लिक और कैप्सिकम, सारा शिमला मिर्च, गाजर, लहसुन और प्याज को सारा मिक्सअप कर देना है पहले। तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें ये मिक्स मसाला, इसी हल्दी पाउडर। सो अब थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, नमक स्वाद अनुसार, बारिश। हमारा पूरा ग्रेवी बन चुका है ऑलमोस्ट, और अब ये आता है पिचकू किसान टमाटो, फ्रेश टमाटो। गिरगिट वाला ऐड तो देखा ही होगा आपने, फ्रेश टमाटो हम खाते अभी ये केचप इस पे हम पुट करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कम। सभी करवाए थे ना पूरा, तो इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा ही केचप करते हैं जितना आपको मन होगा। तो ये इसको हम इधर रख देते हैं। अब वाओ, तो डिलीशियस बनने के जा रहा है, घर में तो हर कोई खाता है, घर का खा के देखें। और थोड़ा सा डाल देती हूँ, बोलिए यस और नो, यस कि नहीं। चिल्ली रेडी है, सोयाबीन चिल्ली, न्यूट्रेला चिल्ली। तो अब गैस बंद करने का वक्त आ चुका है, बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या फाइनल रेडी है। तो ये हमारा चिल्ली रेडी है, लाइटिंग की वजह से ऐसा दिख रहा है, बट ऑलमोस्ट पूरा रेडी है। सो रेडी है गाइस, ये हमारा सोयाबीन चिल्ली न्यूट्रेला चिल्ली बन चुका है, इसे ऐसा। तो गाइस ये है चिल्ली, अब खाते हैं। ये लीजिए, टेस्ट कीजिए। सच में टेस्टी बन गया।
आई एम लविंग इट। आप सभी को भी चाहिए तो मेरे खिलाफ चाहिए। सो गाइस ये रेडी है तो अवर चैनल पे और मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बोलिए अरे देखो ना मेरे तो खाना बना रही है, चटनी बना रही हूँ। आप सभी तो बोलते ही होगा तो खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दिस इज फॉर यू। बाय।